हेलो, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईई 2024 के आंसर की को लेकर। काफ़ी बच्चे अभी वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी तक जेईई ने अपना ऑफिशियल आंसर की रिलीज नहीं किया है। हालांकि जो उन्होंने शेड्यूल रिलीज किया था उसमें तो उन्होंने लिखा था कि 7 जून को हम आंसर की रिलीज कर देंगे और 10 जून आपका लास्ट डेट होगा आपकी कोई भी आपत्ति दर्ज करवाने के लिए। लेकिन अभी तक आपका आंसर की नहीं आएगा। फाइनली आंसर की कब तक आएगा, कितना और इंतजार करना पड़ेगा, इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए अभी हम विजिट कर रहे हैं जोधपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें हम जाते हैं जेईई की वेबसाइट पे। ठीक है, वहां पे हम देखेंगे कि हमारा शेड्यूल क्या कहता है और हमारा जो ऑफिशियल शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारी चीजें फॉलो हो रही या नहीं हो रही। आपको जाना है जेईई प्रीबीजी पीएसबी 2024 ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कंप्लीट ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज लिखी है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में जाओगे तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे। वो हमारे काम के नहीं, हमें गाइडलाइन में जाना है जेईई की। जैसे ही गाइडलाइन में जाओगे तो आप शेड्यूल देखोगे तो शेड्यूल में आपको वही डेट जो अभी मैंने बताई है वो मिलेगी। लेकिन अभी आज टाइम आपका 8 तारीख हो चुका है, अभी तक आंसर की नहीं आया। ये देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ लिखा है 7/6/2024 फ्राइडे को आपका आंसर की है डिस्प्ले किया जाएगा, लेकिन डिस्प्ले हुआ नहीं है। 6 तारीख 10 तारीख तक आप देखो, ये डेट है ना, बीच में बहुत डेट है। आप काफी बच्चे सोच रहे हैं कि क्या रिजल्ट का डेट भी बढ़ेगा, तो वेट करो कि आज पॉसिबिलिटी कम है कि आंसर की रिलीज हो। 100% मैं नहीं कह सकता, हो सकता है तुम वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे रिलीज हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ऑफिशियल, लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी है कि कल आपका आंसर की है वो रिलीज किया जाएगा। अगर कल नहीं होता है तो इनकेस आपका 10 तारीख तक आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो टेक्निकल इश्यू आते जाते रहते तो उनके ऊपर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा जिसमें आप उसमें ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। अगर कोई भी आपका एनी ऑब्जेक्शन है तो आपका लास्ट डेट तक आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। अगर इनकेस हो सकता परसों आपका डिस्प्ले किया जाएगा, मंडे को अगर डिस्प्ले करें आंसर की तो आपको 11 और 12 तारीख का टाइम दिया जाएगा जिसमें आप आपत्ति लगा सकते हैं। तो सब बच्चे थोड़ा यार पेशेंस बनाए रखे, जो डेट दे रखी है पूरी पूरी उम्मीद रखो कि आपका रिजल्ट है वो 20 तारीख तक आ ही जाएगा। 19 तारीख का डेट दे रखा है तो 19 तारीख तक 99% पॉसिबिलिटी है, थोड़ा बहुत ऊपर होता तो कोई प्रॉब्लम ऐसा फेस करना नहीं है। बाकी आपको 10 दिन का बीच में टाइम दिया है, अगर 2-3 दिन ऊपर नीचे भी होते हैं तो वो कोई ज्यादा इश्यू वाली बात है नहीं। ठीक है, आपका काउंसलिंग मैन है वो काउंसलिंग है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की इतनी जरूरत है नहीं, और जिन बच्चों को हमारे पेड प्रोग्राम की जरूरत है तो हमने पेड प्रोग्राम है लॉन्च कर दिया है जिसमें हम पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है हमारे द्वारा करके देंगे। और अच्छी कॉलेज में कम नंबर पे अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली आप जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। 11-10 तारीख तक आपको वेट करना, मंडे को 100% रिलीज कर दिया जाएगा। हो सकता है आपका कल भी कर दे, लास्ट डेट आप मंडे मान सकते हैं, मंडे से पहले पहले आपका आंसर की डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कोई टेक्निकल इश्यू है उसकी वजह से आपका आंसर की रिलीज नहीं किया गया है, हो सकता है कि आज शाम तक वो अपना जो भी प्रॉब्लम है वो भी आपको बता दे। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।